खबर दें आपको कि कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। खबर दे रहे हैं आपको कि कोटली आजाद कश्मीर के इलाके नाड़ के जंगलात में आग लगाने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। मजीद जानते हैं अमनास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमनास खान बताइएगा मुजरिम की जानिब से क्या मौकिफ सामने आया है, किसी के कहने पर ये काम हुआ जाता था? जी शुक्रिया। कोटली आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलात में हर साल आग लगा दी जाती है। सरसब्ज जंगलात जल कर राह का ढेर बन जाते हैं और लाखों मालियत के दरख्त मिनटों में जल जाते हैं। कीमती जड़ी बूटियाँ चरिंद परिंद भी जल जाते हैं। अवामी प्रेशर और एहतजाज के बायस इस दफा महकमा जंगलात को आखिरकार ख्याल आ ही गया और निगरानी के लिए कुछ अफसर तैनात किए थे। एक शख्स को गुल पर नाड़ कंपार्टमेंट नंबर 48 में आग लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजम से मजीद तफ्तीश पुलिस कर रही है। मुलजम का नाम सगीर अहमद वल जमान है जो अजीरा का रिहायशी है जो इस वक्त गुल पर नाड़ में सुकूनत हासिल किए हुए है। पुलिस ने FIR काट के तफ्तीश का आगाज कर दिया है। SHO का कहना है कि कभी भी ऐसे अफराद को नहीं बख्शा जाएगा जो सरसब्ज जंगलात को आग लगाते हैं और इनको खत्म करते हैं। साथ में बताता चलूं कि निकाल खुरेटा के जंगलात में भी आग लगी थी, ताहम अहले इलाका की मदद से आग बुझा दी गई है। जी ठीक है, मौजूद से मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। अमनास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात सागर कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अमनास।